नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय कुमार और आप देख रहे हैं साइबर प्रतिभा। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू अपडेट काली लिनक्स टू लेटेस्ट वर्जन। जब आप पुराना वर्जन ओल्ड वर्जन काली लिनक्स का यूज कर रहे होते हो तो उसमें लेटेस्ट टूल्स नहीं होते हैं। अगर आपको लेटेस्ट टूल अपने काली लिनक्स में चाहिए तो उसके लिए आपके पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन यह है कि आप काली लिनक्स को अपडेट कर लीजिए और दूसरा ऑप्शन यह है कि काली जो टूल आप यूज करना चाहते हैं लेटेस्ट, उस टूल को आप अपडेट कर लीजिए। तो आज का हमारा टॉपिक में यही कवर करेंगे कि काली लिनक्स के लेटेस्ट वर्जन को आप कैसे अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, इन दोनों चीजों को जानने के लिए, काली लिनक्स को अपडेट करने के लिए आपको दो चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ती है। एक तो यह है कि आपका इंटरनेट कनेक्शन एक्टिव होना चाहिए उस मशीन पे जिस पे आप अपडेट कर रहे हो, जिस मशीन को अपडेट कर रहे हो। दूसरा यह है कि उसमें रेपोजिटोरी भी प्रॉपरली कॉन्फिगर्ड होनी चाहिए। अगर प्रॉपरली रेपोजिटोरी कॉन्फिगर नहीं होगी तो काली लिनक्स को आप अपडेट नहीं कर पाओगे। सबसे पहले तो काली लिनक्स को अपग्रेड और अपडेट करने से पहले यह भी हमें पता होना चाहिए कि उसका वर्जन कौन सा है, कौन सा इंस्टॉल्ड वर्जन है और कौन सा वर्जन यूज किया जा रहा है। तो उसके लिए lsb_release-a कमांड यूज करेंगे तो यहां पे दिखा देगा कि कौन सा वर्जन आप यूज कर रहे हैं। 2019.3 है। आपकी काली लिनक्स मशीन पे इंटरनेट एक्टिव है या नहीं है उसके लिए आपको बेसिक कमांड पिंग कमांड का यूज करोगे। पिंग कमांड यूज करके किसी भी वेबसाइट के साथ में पिंग करके आप देख सकते हो। यहां पर मैंने गूगल का यूज किया है। इसके बाद ये तो साफ जाहिर हो गया कि वहां से रिप्लाई कंटिन्यूअस आ रहा है। आप इस पे देखिए कि ये कंटिन्यूअस रिप्लाई आ रहा है, यानी कि हमारा कंप्यूटर और गूगल के बीच में कनेक्टिविटी बन रही है। जो भी यहां से पैकेट भेजे जा रहे हैं वो वहां से रिप्लाई के रूप में आ रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि हमारे मशीन पे, हमारी मशीन पे जो है इंटरनेट एक्टिव है। दूसरा यह है कि उसकी हमें रेपोजिटोरी देखनी है कि रेपोजिटोरी किस तरह से कॉन्फिगर है। उसके लिए एक लोकेशन है etc के अंदर apt और apt के अंदर सोर्स लिस्ट। ये sources.list नाम की जो फाइल होती है उस फाइल के अंदर रेपोजिटोरी यानी कि उस सर्वर की लोकेशन हमें देनी होती है, वो यहां पर ये देख लीजिए। बाकी दूसरी बात ये है कि रेपोजिटोरी को कॉन्फिगर कैसे करना है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप वहां जाकर के ये देख लेंगे कि कॉन्फिगरेशन रेपोजिटोरी को कॉन्फिगर कैसे करना है। ठीक है, ये दोनों चीजें हमारी यहां पर कॉन्फिगर है। तो अब नेक्स्ट जो चीज आती है इसमें तीन चीजें होती हैं। सबसे पहले तो हम आपको बता दें apt get update। ठीक है, इसमें क्या होगा, ये इंटरनेट से कनेक्ट हो जाएगा और जो पार्टिकुलर सर्वर मैंने वहां पे दिया हुआ है सोर्स लिस्ट में, जो सोर्स लिस्ट फाइल है उस फाइल में जो सर्वर दिए है उस सर्वर से ये कनेक्ट होगा। कनेक्ट होने के बाद जो उस पे लेटेस्ट टूल है उन टूल्स के हेडर्स को डाउनलोड करके लोकली सेव कर लेगा। ये कुछ टाइम लेगा, डिपेंड करता है आपके इंटरनेट कनेक्शन पे कि किस तरह की स्पीड है, उस हिसाब से ये आपका टाइम लेगा। जब बात आती है कि अब काली लिनक्स को लेटेस्ट वर्जन में कैसे अपडेट करेंगे तो इसके लिए मेनली तीन चीजें जो होती हैं वो बेसिकली काम करती हैं, यानी तीन तरह से अपडेशन इसका किया जा सकता है। सबसे पहला है अपडेट काली लिनक्स। जब हम अपडेट काली लिनक्स करते हैं तो इसके अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ जो लेटेस्ट हेडर्स होते हैं रेपोजिटोरी पे वो वहां से डाउनलोड करके लोकली उसको इंस्टॉल कर लेता है। यानी कि वो आपका कंप्यूटर, आपकी काली लिनक्स मशीन अपने अंदर लोकली ये स्टोर कर लेगा, एक डेटाबेस बना लेगा जिसमें ये सारी चीजों की इंफॉर्मेशन रहेगी कि कितने लेटेस्ट वर्जन जो है रेपोजिटोरी पर अवेलेबल है। यानी रेपोजिटोरी पे अवेलेबल ऑल डेटा के हेडर्स को डाउनलोड कर सकते हैं, कर लेता है। तो ये एक तरह का इंडेक्सिंग प्रोसेस हो गया, यानी कि वहां के रेपोजिटोरी पे जो अवेलेबल सॉफ्टवेयर हैं उनको इंडेक्स करके एक डेटा पार्टिकुलर बना लेगा। दूसरी चीज है अपग्रेड काली लिनक्स। पहला था अपडेट और दूसरा है अपग्रेड। अपग्रेड काली लिनक्स में काली लिनक्स जो है दो पार्टों से मिलकर के बनी है। पहला जो है उसका कोर सिस्टम है और दूसरा उसका टूल्स है। जो कोर सिस्टम होता है, जो कोर सिस्टम है वो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया।
लेकिन जो टूल्स होते हैं वो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से डिफरेंट डिफरेंट जगह से लेकर के काली लिनक्स ने अपने ऊपर इंस्टॉल कर लिए हैं। जब हम अपग्रेड करेंगे काली लिनक्स को तो वो क्या करेगा, जो भी टूल हमारे सिस्टम के अंदर हमारी मशीन के अंदर इंस्टॉल है उनके अगर कोई लेटेस्ट वर्जन अवेलेबल है रेपोजिटोरी पे तो वहां से डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल कर लेगा। अब नेक्स्ट आता है अपग्रेड काली लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन। अब अपग्रेड का पूरा हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना है, अपग्रेड करना है यानी पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम अपग्रेड करना है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में इसमें दोनों चीजें आती है, कोर सिस्टम आ जाता है और टूल्स आ जाते हैं। यानी कि जब अपग्रेड ये डिस्ट अपग्रेड हम करेंगे तो जो भी नया वर्जन ऑपरेटिंग सिस्टम का रिलीज किया गया है काली लिनक्स के द्वारा वो ऑपरेटिंग सिस्टम आपके इसमें इंस्टॉल हो जाएगा यानी कि अपग्रेड हो जाएगा। ना सिर्फ कोर सिस्टम में इंस्टॉल होगा, कोर सिस्टम अपग्रेड होगा, बल्कि इसके साथ साथ में जितने भी टूल्स उसमें इंस्टॉल हैं अगर उनके कोई न्यूअर वर्जन अवेलेबल हैं तो उनके अपग्रेड हो जाएंगे। लास्ट कमांड में हमने उसको अपडेट कर लिया था, तो अपडेट में जो भी न्यूअर हेडर्स थे वो डाउनलोड हो गए थे। अब दूसरा है उसको अपग्रेड करना है, तो अपग्रेड करने के लिए कमांड वही है apt get अपग्रेड। यहाँ पे सिर्फ एक डिफरेंस है कि पुरानी जो कमांड थी वो अपडेट थी और जो न्यूअर कमांड है, जो पुरानी कमांड हमने यूज की थी वो अपडेट कमांड यूज की थी और जो न्यूअर कमांड यूज करेंगे वो अपग्रेड। अब अपडेट में हुआ था कि हेडर्स डाउनलोड कर लिए थे, इंस्टॉल कर लिए, वो हेडर्स जो है उसको लोकली एक डेटाबेस बना लिया गया था जिससे कि जब भी हम कंप्यूटर को अपग्रेड करें तो वो उससे चेक करके ये बता देगा कि भाई इतने इतने डेटा की जरूरत पड़ेगी। लेट्स सी व्हाट हैपेंड। दूसरा है जैसे ही हम अपग्रेड कमांड चलाएंगे तो इसने क्या किया, यहां पे देखिए सबसे टॉप पे मैं आपको दिखाता हूं कि ये क्या किस तरह की प्रोसेस की। देखो रीडिंग द पैकेज लिस्ट, जो पैकेज लिस्ट यहां पे बनाई गई थी अपडेट के द्वारा उसको पैकेज लिस्ट को पूरा रीड किया गया, डन हो गया। ठीक है, रीडिंग स्टेट इंफॉर्मेशन, उनकी स्टेटस क्या है उसका इंफॉर्मेशन डन हो गया। फिर उसके बाद कैलकुलेट किया इसने, कैलकुलेशन ये की कि कौन कौन से नए वर्जन डाउनलोड होंगे, क्या क्या इंस्टॉल होगा, ये सारे को करने के बाद और सारी कैलकुलेशन करने के बाद इसने लास्ट में आपके लिए ये निकाल के लेकर के आया कि यानी कि जो पुराने टूल्स हैं इतने वो अपग्रेड होंगे और कोई भी नया इंस्टॉल नहीं होगा और जीरो रिमूव होगा और 550 जो है अपग्रेड नहीं होंगे। ठीक है, टोटल जो आर्चीव के लिए यानी डाउनलोड होगा वो 1GB 374 MB की रिक्वायरमेंट पड़ेगी और इस ऑपरेशन में जो एडिशनल डिस्क का स्पेस यूज होगा वो 11 MB होगा। ठीक है, मैं इसमें एन कर देता हूं, एन इसलिए कर दिया कि मैं आपको दिखाना चाहता हूं दूसरी कमांड को। दूसरी कमांड ये है कि apt get डिस्ट अपग्रेड। ठीक है, डिस्ट अपग्रेड जब कमांड यूज करते हैं तो उसमें डिस्ट्रीब्यूशन को अपग्रेड किया जाता है, यानी दोनों चीजें अपग्रेड हो जाएंगी, टूल्स भी हो जाएंगे और साथ साथ में उसका कोर सिस्टम भी हो जाएगा। अब सेम प्रोसेस इसने किया, रीडिंग डन, एवरीथिंग सब कुछ। अब यहां पर देखिए आप दोनों में डिफरेंस ये है कि यहां पर अपग्रेड जो टूल्स हो रहे हैं वो 1759 हो रहे हैं और जबकि यहां पर अपग्रेड हो रहे हैं 1200 120 12। तो इसमें क्या हुआ कि ये वाले टूल्स कम अपडेट हो रहे हैं यानी कि कोर सिस्टम अपग्रेड नहीं हो रहा था। यहां पर दूसरी चीज ये है कि 421 न्यूली इंस्टॉल्ड यानी नए इंस्टॉल होंगे जबकि यहां पर ये साफ दिखाया गया कि कोई भी इंस्टॉल नया नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप इस कमांड को यूज करेंगे तो ये कमांड आपको दिखा देगी कि कितने रिमूव होंगे, कितने इंस्टॉल होंगे, कितने नहीं होंगे। यहां पर एक और एरर आया है, इसके बारे में बता दूं, नो फ्री स्पेस लाइक दिस, मतलब हमारे जो काली लिनक्स इंस्टॉल्ड है इसमें इतना फ्री स्पेस नहीं है तो इसलिए ये एरर दिखा रहा है। ठीक है, फ्री स्पेस नहीं है तो आपको स्पेस बढ़ाना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, व्हाटएवर, वो डिफरेंट मैटर है। तो कहने का मतलब ये है कि काली लिनक्स को अपडेट और अपग्रेड आप कर सकते हैं।